499 का ये प्रोडक्ट आपको हर महीने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम अपने ही लोकल एरिया से करके देगा। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हर एक इंसान के पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन किसी ना किसी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा। जिस भी व्यक्ति का कोई भी बिजनेस है एक्स वाई जेड, उसके लिए इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। एक किसी की एक शॉप है या फिर किसी की कोई भी छोटी सी कंपनी है या फिर कुछ भी वो बंदा कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट 2 ही रुपये का क्यों ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक वेबसाइट की। अगर आप मार्केट में कहीं पर भी जाएंगे एक वेबसाइट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे मिनिमम आपसे 5,000 रुपये मांगा जाता है और 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक एक वेबसाइट बनती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप विजिट कीजिए कहीं पर भी अपने लोकल एरिया के अंदर, वहाँ पर जाकर के पूछताछ भी कर सकते हैं कि एक वेबसाइट बनाने में कितना आपका खर्चा लगता है। लेकिन आप इस जो ये ट्रैफिक 360 आपको दिख रहा है, इससे मात्र 499 में आप किसी भी बंदे को वेबसाइट बना करके देख सकते हैं, किसी भी बिजनेस की बना करके दे सकते हैं और मात्र 5 मिनट के अंदर, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मात्र 5 मिनट के अंदर आप इस किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बना सकते हैं। एंड साथ में दोस्तों आपको पूरा कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कि किस तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको 0% भी नॉलेज है तो भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे इस बिज़नेस को कर पाऊँगा। और इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में और इस प्रेजेंट समय में इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इस बिज़नेस को अभी शुरू कर लेंगे तो आपके इतने सारे क्लाइंट बन जाएंगे कि आपको कहीं पर भी मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे इस बिज़नेस से पैसे कमा पाएंगे। तो अभी हम मैम से बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो सर आप जानते हैं कि अगर कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप ट्रैफिक 360 के थ्रू आप किसी की भी वेबसाइट आप उनको 499 में बना कर दे सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें तो कोडिंग नहीं आती है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम इस वेबसाइट को कैसे बनाएंगे? सर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, आपको कोडिंग आती हो या ना आती हो, आप किसी की भी 5 से 10 मिनट के अंदर आप वेबसाइट रेडी करके दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो लॉगिन आईडी है वहाँ पर लॉगिन करना होता है, उसके बाद एक फॉर्म ओपन होता है, आप वहाँ पर उस पर आपको डिटेल फिल करनी होती है। मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ किस तरीके से आप वहाँ पर डिटेल फिल करेंगे और कैसे आप किसी की वेबसाइट बनाएंगे। तो चलिए डेमो देख लेते हैं सर, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है हम वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, कैसे फ्रेंचाइजी यानी कि आप लोग कैसे कस्टमर की वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे sharekaro.net, यहाँ पर हमने डाला और यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद हम जो है इस तरीके से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये है हमारी sharekaro.net की वेबसाइट, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिलने वाली है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पर अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अगर सबमिट करता है और यहीं से अगर बुकिंग करते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सारी ट्रैफिक 360 का पूरा एक वेबसाइट रेडी होकर मिल जाता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी कि आप जो फ्रेंचाइजी आप कैसे इसको किसी को बनाकर दे पाएंगे अपनी वेबसाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेंचाइजी लॉगिन, यानी कि हम अपना फ्रेंचाइजी लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते इस तरीके से पेज खुल जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वो कस्टमर हमारे कितने बन चुके हैं अभी तक में, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर से जो है हम क्रिएट मिनी वेबसाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट मिनी वेबसाइट जब करते हैं तो हमें न्यू वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, हमने कस्टमर को न्यू वेबसाइट बना के दी। तो इस तरीके से हमारा एक पेज खुल कर आता है जिसपे हमें सारी चीज़ें फिल आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे मेल आईडी, पासवर्ड, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं। तो ये सब करने के बाद आप जो है अपना मतलब जो भी कस्टमर हैं उनकी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक कस्टमर का जो भी आईडी है वो क्रिएट करते हैं। चलिए
अब हमें जो करना है वो यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम फिल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर हम पासवर्ड डालना चाहते हैं अगर तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें फिल करनी है कंपनी की डिटेल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अपनी कंपनी की डिटेल फिल कर दी है। और यहाँ पर जो भी हम डोमेन नेम चाहते हैं वो डोमेन नेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें थीम सेलेक्ट करनी है, तो मैंने ये वाली थीम सेलेक्ट करी है। तो जो है उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको लोगो चूज़ करना है। यहाँ से आप चूज़ करेंगे अपना लोगो, यहाँ पर लोगो चूज़ करके आप जो है ये लोगो यहाँ पर जैसे लगा हुआ है इस तरीके से आपका लोगो बनकर आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप जो है इस तरीके से आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी है, ये आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ पर सारी पूरी कंपनी के डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। फुल नेम, टैगलाइन आपके अगर कुछ है तो आप वो टैगलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पोजीशन क्या है वो पोजीशन आप यहाँ पर डाल देंगे। आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंट्री कोड डालेंगे और यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। यहाँ पर कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी वो रजिस्टर्ड आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आपका गूगल मैप अगर लिंक है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस डालेंगे जहाँ पर भी आपका एड्रेस है। उसके बाद आप अबाउट अस में आप कंपनी का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सोशल लिंक्स खुल जाते हैं। यहाँ पर आप फेसबुक का लिंक डालेंगे, यहाँ पर ट्विटर का लिंक डालेंगे, यहाँ पर लिंक्डइन का लिंक डालेंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम, यहाँ पर यूट्यूब पे अगर आपका कोई चैनल है तो वो चैनल, और यहाँ पर वीडियोस के लिंक आप डाल सकते हैं। आपने पहला लिंक डाला और उसके बाद आपको ऐड मोर करना है तो देन सेकंड लिंक, उसके बाद ऐड मोर करेंगे तो फोर्थ लिंक। जितने भी आप लिंक यहाँ पर डालना चाहते हैं अपनी वीडियोस के तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी रहेंगे। और चूज़ फाइल करके आप अपना बारकोड यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप अपना बारकोड लगाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके अपना प्रोडक्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट यहाँ पर क्या क्या डालना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप टाइटल नेम, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो डालेंगे, बुकिंग प्राइस डालेंगे, MRP डालेंगे, और यहाँ पर आप सेलिंग यानी कि जिस अमाउंट पर आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं वो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एड मोर प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी आप और प्रोडक्ट एड ऑन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी एड मोर है यहाँ पर एड मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल, यानी कि जो भी आपकी फाइल है, जो भी आपने इमेजेस आपके प्रोडक्ट के हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। और सेव प्रोडक्ट नाउ कर देंगे। सेव प्रोडक्ट नाउ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे तो आपका जो है इस तरीके से आप एड यानी कि सर्विसेज पर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो है सर्विस आ गई है। सर्विस में आपको टाइटल और जो भी आप सर्विसेज देते हैं वहाँ पर आप इमेजेस अगर आपके पास कुछ हैं, जैसे मार्केटिंग मटेरियल का अगर कुछ है तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो आप और भी इस तरीके की जितने भी आपकी सर्विसेज हैं, जिनके भी आपके फोटोज़ इमेजेस वगैरह वो सारी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप कर देंगे ऐड सर्विस, और ऐड सर्विस के बाद आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर इमेजेस, यानी कि इमेजेस में आप जो भी फाइल चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं आपकी कंपनी की, जो भी आपकी पहले की जो भी इमेजेस हैं आप वहाँ पर डाल सकते हैं। चूज़ फाइल करेंगे, अगर और भी इमेजेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं करना चाहते हैं तो आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद आप अपलोड इमेजेस कर देंगे। जब इमेजेस अपलोड हो जाएगी, जब उसका इमेजेस अपलोड होने के बाद आप डन एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, यानी कि आपने किसी कस्टमर की किस तरीके से वेबसाइट रेडी करी है। तो यहाँ पर उनका कंपनी का लोगो आ चुका है, नाम आ चुका है, उनका जो भी डेजिग्नेशन थी वो यहाँ आ चुकी है, उनका नंबर आ चुका है, कंपनी के डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उस तरीके से आपके प्रोडक्ट वहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ से बाय नाउ भी कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपने वीडियोस के लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। सर्विसेज में जो जो सर्विसेज हमारे पास और भी अवेलेबल हैं आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर डाल सकते हैं। तो और ये है मैंने गैलरी, गैलरी में मैंने सारी अपनी कंपनी की जो भी इमेजेस थी वो मैंने डाल दी हैं, जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गूगल पे नंबर, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर फिल आउट कर दी है। अगर कोई किसी कस्टमर की कोई डिटेल्स इंक्वायरी होगी तो वो आपकी मेल आईडी पर जाकर आप वो यहाँ से जो है अपनी इंक्वायरी डाल सकता है। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मैसेज वगैरह जो भी क्वायरीज उनकी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर को वेबसाइट रेडी करके
दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कस्टमर जो है अपनी वेबसाइट बना पाएगा। अब जो है यहाँ पर कस्टमर कैसे अपनी जो आईडी है वो लॉगिन कर सकता है। कस्टमर को आपने बना कर दे दिया, अब कस्टमर को कुछ भी प्रोडक्ट ऐड ऑन करने तो वो कैसे करेंगे, वो भी सबसे पहले इसी पेज पर जाएंगे sharekaro.net और इस तरीके से उनके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब कस्टमर को खुद की आईडी लॉगिन करनी है, यानी कि कस्टमर जो आपने बनाए थे उन्होंने अपनी खुद की आईडी लॉगिन करनी है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर साइन अप करेंगे, कस्टमर अपनी जो उनको मेल आईडी और पासवर्ड आप देंगे वो वहां पर डालेंगे। तो इस तरीके से उनकी मेल आईडी और ये उनका पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका डैशबोर्ड खुल गया। अब वो अपनी वेबसाइट में कुछ भी प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर जाकर वो क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन वेबसाइट का इस तरीके से कुछ यहाँ पर ओपन होकर आया है। यहाँ पर डिसेबल लिखा है, यहाँ पर प्रीव्यू लिखा है, यहाँ पर एडिट लिखा है, यानी कि अगर उनको एडिट करना है तो यहाँ एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उनको जहाँ कहीं पर भी अगर उन्हें कंपनी इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो यहाँ करेंगे। सोशल लिंक पे कुछ ऐड ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन पे अगर कुछ लिंक करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट वगैरह उनको ऐड ऑन करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टेड है, अगर वो और प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड ऑन करना सकते हैं तो यहाँ पर टाइटल, बुकिंग प्राइस, MRP, सेलिंग प्राइस जो भी उनका रहता है वो सारी चीज़ें डालेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपना प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है सेव प्रोडक्ट नाउ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से आप जो है अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप भी इसी तरीके की वेबसाइट हमसे बनवा सकते हैं या आप अपने कस्टमर को बनवा कर दे सकते हैं। मैम, आपने काफ़ी चीज़ें बताई, हमारी क्लियर हो चुकी है, आपने डेमो भी दिखाया, डेमो हमने देखा है। बात ये करते कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट कर लेता है लेकिन वो अपने लोकल एरिया में तो जितने भी है 10-20-50 दुकान है उनको कवर कर सकता है, उनको वेबसाइट बना करके दे सकता है, अब उनका काम ख़त्म हो गया, लेकिन ये बिज़नेस आगे तक कैसे चल सकता है? सर बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि 10 दुकानें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 10 दुकान वाले ही आपके कस्टमर। आप जानते हैं आज के समय में हर कोई रीसेलिंग का बिजनेस करता है, इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं। तो सर आप ये बताइए, उन 10 करोड़ लोगों में क्या सबके पास वेबसाइट है? क्या सब लोग वेबसाइट के थ्रू काम करते हैं? रीसेलिंग का बिजनेस क्या सिर्फ वेबसाइट के थ्रू करते हैं? नहीं सर, मैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले मैं मीशो की बात करूंगी। ऐसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे जहां पर रीसेलिंग का बिजनेस होता है। सर देखिए, वहां पर क्या रहता है कि जब भी आप रीसेलिंग का वहां पे काम करते हैं तो वहां पर आप मीशो पे देखेंगे कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रीसेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं? सिर्फ व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोगों तक पहुँचा पाते हैं। लेकिन अगर उनमें से मैं बात करूं 1000 लोगों की, तो शायद ही 1000 लोगों के पास अपनी वेबसाइट होती होगी और वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाते होंगे। अब आप सोच सकते हैं, अगर आपके पास ट्रैफिक 360 के थ्रू आप अगर उन लोगों को भी वेबसाइट बनाकर देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका बिजनेस कितना ज़्यादा ग्रो करेगा, यानी कि वहाँ पर जितने भी रीसेलर्स हैं वो सारे आपके कस्टमर्स हैं। अगर बात करूँ सर मैं स्टूडेंट की, तो आप जानते हैं कि आज के समय में हर स्टूडेंट ऑनलाइन जाना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, और उनको पता है कि हमें उसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं, बट कुछ जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ एक टाइम आता है कि वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वेबसाइट बनाना नहीं आता, उन्हें कोडिंग नहीं आती। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके कस्टमर हैं। तो आप सोच सकते हैं सर, कस्टमर आपके लिए कोई कमी नहीं है कस्टमर की, कस्टमर आपके पास बहुत मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपको कस्टमर हर जगह से मिलेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरू कर रहा है ऑल ओवर इंडिया से, अगर वो यहाँ पे विजिट नहीं करना चाहता है तो क्या आप प्रोडक्ट को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से? बिल्कुल सर बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी हम जो है आपको प्रोवाइड करें तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि मात्र 5000 रुपये देकर आपको बुकिंग अमाउंट देना रहता है। आपका बुकिंग अमाउंट रिसीव होते ही आपको यहाँ से ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर पहुँच जाए, बाकी की पेमेंट आप तब कर सकते हैं, यानी कि आपको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। सर एक चीज़ और कहूँगी कि अगर कई बार माइंड में आता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप मात्र 4000 रुपये लगाकर भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।